मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना ने राज्य में बड़ी सफलता हासिल की है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना में 29 में से 29 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना का इतना प्रभाव था कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब सरकार भाइयों के लिए भी एक नई योजना लाने की योजना बना रही है, जो लाडली बहनों की तर्ज पर होगी। सूत्रों के अनुसार सरकार लाडले भाइयों के लिए एक योजना पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के लड़कों को शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक मदद देना है। इसके अलावा इस योजना के तहत उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। अगर यह योजना लागू होती है तो मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन जाएगा जिसने इस तरह की पहल की है। इससे पहले महाराष्ट्र ने लाडले भाइयों के लिए ऐसी योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि लाडले भाइयों का भी ध्यान रखा जाएगा और प्रदेश में सभी के लिए काम किया जाएगा। इस बयान के बाद राज्य के युवाओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस योजना के तहत कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी, कौशल विकास के लिए नए प्लान तैयार किए जाएंगे, समाज में समानता और आर्थिक सहायता पर जोर रहेगा। बीजेपी नेता यशपाल सिंह ने लाडली बहना योजना की सफलता की सराहना करते हुए कहा, यह योजना बहनों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है। अब सरकार लाडले भाइयों के लिए भी योजना लाने जा रही है, जिससे राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस विधायक दिलीप गुस्सर ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अब तक जो वादे किए थे उन्हें कितना पूरा किया है। अगर सरकार वास्तव में युवाओं को रोजगार देना चाहती है तो उसे जल्द से जल्द इस पर काम करना चाहिए।